उधर से वो अपार्टमेंट बगल में है, अपार्टमेंट से निकल कर आया उन लोग और फायरिंग कर दिया। फिर फायरिंग किया तो हम लोग दौड़ कर आगे अपना कार में जो बैठे तो कार के बाहर से भी फायरिंग कर दिया, वही गोली लग गया है। किस जगह पे घटना हुआ? राजधानी पटना में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहा है और बढ़ते अपराध को लेकर पटना पुलिस लगातार ये दावा कर ले कि अपराधियों पर अंकुश लगाया जा रहा है। लेकिन इसी कड़ी में पटना से एक बड़ी वारदात सामने आई है। फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के मित्र कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया जब 5 की संख्या में आए अपराधियों ने जदयू नेता धर्मेंद्र कुमार पर गोलीबारी कर दी। गोली उनके हाथ में लगी और इलाज के लिए उन्हें अस्पताल भेजा गया। पूरे घटनाक्रम की बात कर ली जाए तो पूरा मामला जो है वो जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है और धर्मेंद्र कुमार घायल अवस्था में तमाम जो घटनाक्रम हुए थे उन्होंने बताया कि 2 लोगों को पहचानते और 5 लोगों ने हथियार के साथ वहां पहुंचे थे और उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। 1 गोली उनके हाथ में लगी और उनका इलाज निजी अस्पताल में किया जा रहा है। लेकिन हालिया दिनों की बात कर ली जाए तो कल जिस प्रकार से कृष्णापुरी थाना क्षेत्र की रहने वाली रिमझिम जो पार्लर चलाती थी वो अपने घर से कई दिनों से लापता थी और उनका शव नौबतपुर में पाया गया, उसकी भी हत्या कर दी गई थी। लगातार अपराधियों के मनोबल लगातार बढ़ते जा रहे और दोनों घटनाओं को लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। लेकिन जिस प्रकार से वारदात में लगातार इजाफा होते जा रहा है और लगातार पटना पुलिस ये दम भरे कि अपराधियों को नकेल कसने के लिए लगातार वो प्रयासरत है, लेकिन जिस प्रकार से घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि होती जा रही है इससे साफ तौर पर जाहिर है कि अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ते जा रहा है। और कुछ दिन पूर्व की बात कर ली जाए तो पटना सिटी में भी मसाला व्यवसायी की गोली मारकर 15 लाख रुपए की लूट हो गई थी। वहीं 41 लाख रुपए लूट जो अटल पथ में घटना को अपराधी ने अंजाम दिया था, पूर्व मंत्री के मैनेजर से जो लूटपाट हुई थी उस मामले में भी अभी तक पटना पुलिस के हाथ खाली है। तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि लगातार लोगों की सुरक्षा के दम भरने वाली पटना पुलिस कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है और अपराधियों के मनोबल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कैसे हो गया घटना? हमारा एक जमीन है उसमें छठ पूजा में हम लोग गए हुए थे घर, तो बाउंड्री कर दिया था आसपास का आदमी जो ओम गुप्ता है और अभिषेक सिंह, और उसी को देखने गए हुए थे कि आसपास पास कौन बाउंड्री किया है। उसको भी बोल भी रहे थे वहाँ पे कि बाउंड्री तुम लोग क्यों किया। सन्हा भी रिपोर्ट भी दर्ज करवा दिए थे हम लोग थाना में, और जैसे ही वहाँ गए हैं 15-20 मिनट वही सब देख रहे थे कहाँ कहाँ से कैसे किया है कि उधर से वो अपार्टमेंट बगल में है, अपार्टमेंट से निकल कर आया उन लोग और फायरिंग कर दिया। फिर फायरिंग किया तो हम लोग दौड़ कर आगे अपना कार में जो बैठे तो कार के बाहर से भी फायरिंग कर दिया, वही गोली लग गया है। किस जगह पे घटना हुआ? मित्रमंडल कॉलोनी। अच्छा, कितने संख्या में लोग थे फायरिंग कर रहे थे? 5 की संख्या। सर 5 की संख्या में सब नगा पोस्ट थे या चेहरा खुला हुआ था? पहचानते जो मेन फायरिंग जो कर रहा था ना वो हेलमेट पहन रहा था और बाकी लोग तो लोग बाइक सवार थे। हम देखे नहीं है कि बाइक से बाइक से आया था, हम तो नहीं देख पाए थे। लेकिन आपकी अपनी जमीन है वहाँ घर बंदी कर आपका पर्चे डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार रोहित NBC 24 पटना।